তেল কই মাছের ঝালঝাল ঝোল। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने वाली हूँ कोई माछेर झोल, कोई माछेर झाल झाल झोल। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कोई माछ, जो मम्मी ने इसे धोकर वॉश करके अच्छे से क्लीन करके इसे मैरिनेट कर दिया हल्दी और नमक के साथ। तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आगे का वीडियो देखते रहिए। और मैं इस डिश को आज ट्रेडिशनल वे में बनाने वाली हूँ, विलेज स्टाइल में। तो आप देखते रहिए आगे का वीडियो, और डिश वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। वीडियो को आप बिना स्किप के एंड तक देखते रहिए। मैं कैसे इस रेसिपी को बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल है और सिंपल प्रोसेस में बनाऊँगी। सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है धनिया, जीरा काला और गोल मिर्च, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सूखी मिर्च को भिगो के रखा थोड़े देर के लिए, ताकि ये नरम हो जाए। और मैं इसे ग्राइंडिंग स्टोन में पीसने वाली हूँ, क्योंकि विलेज स्टाइल, देसी स्टाइल में बनाने वाली हूँ रेसिपी को। और ये कोई माछ है, बंगाली में कोई फिश बोलते हैं, तो बहुत ही तेल कोई, बहुत ही यम्मी होगी रेसिपी। तो आगे का वीडियो देखते रहिए। और यहाँ पर मैंने आलू काट कर रख लिया है ऐसे, तो आलू पे हल्दी और नमक छिड़क दिया, उसे मैं फ्राई करूँगी तेल में। तो पूरी रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने कोई माछ मैरिनेट करके रख दिया है हल्दी और नमक से, और ये मसाला रोस्ट करूँगी। इसमें ले लिया है मैंने धनिया, जीरा और गोल मिर्च। अभी ये कढ़ाई पे रोस्ट कर लेंगे इसे, और इसे मैं पीस लूँगी मिक्सी में, नहीं ग्राइंडिंग स्टोन में पीसने वाली हूँ, तो इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाती है रेसिपी की। और यहाँ पे मैंने सूखी मिर्च भी, तीन से चार सूखी मिर्च ऐसे काट छोटे टुकड़ों में ऐसे भिगो के रखा है, नरम हो जाएगी तो इसे पीसना और इजी हो जाएगा। कढ़ाई गरम हो गई है, सरसों का तेल डाल दिया। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज ले लिया है, दो ग्रीन चिली, सूखी मिर्च यहाँ पे रख दिया, दो तेज पत्ता, उसमें मसाला पीस रही है मम्मी, जीरा, धनिया, गोल मिर्च। इसे हम नहीं पीसेंगे, ये हरी मिर्च पीसेंगे बस, और ये मसाले। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक पीस हम फ्राई कर देंगे। फिश फ्राई हो चुका है हमारा, मसाला हमारा पिस ही रहा है, तो ये भी हो गया फ्राई। और इसी तेल में हम आलू फ्राई कर लेंगे। तो जीरा और धनिया हमने पीस लिया, अब मैं पीस रही हूँ सूखी मिर्च। तो आप डाल दिया तेज पत्ता, जीरा, तो इसमें है पिसा हुआ मसाला जो हमने कूट के रखा था, इसमें है जीरा और रेड चिली पेस्ट, इसमें डाल दूंगी टर्मरिक पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अब मैंने ऐड कर दिया पानी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों से, तो अब मैं ऐड कर रही हूँ और भी पानी। ये करी बनाएंगे इसका, फिश करी, और बिल्कुल मैं देसी स्टाइल में बना रही हूँ। बॉयल आने तक इसे ढक देंगे। अब मैं इसमें पोटैटो डाल रही हूँ, आलू भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से फ्राई हो चुकी थी आलू। जैसे अच्छे से उबाल आ जाएगी करी में, तो हम इसमें फिश डाल देंगे, फिश, फ्राइड फिश।
फिश भी हमने फ्राई कर लिया था, ज़्यादा भी नहीं करना है हमें फिश को फ्राई। तो अच्छे से करी हमारा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी फिश एक इंच, तो यहाँ पे चलो एक साथ डाल देते हैं सारे फिश। मैंने यहाँ पे फ्राइड फिश डाल दिया, कोई मच, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है ना शुमा? बहुत बढ़िया, तो खुशबू करी से बहुत अच्छी आ रही है। एटा होच्छे तेल कोई माछे झोल, তেল কই মাছে ঝাল ঝাল ঝোল, এটা খাওয়া খুবই উপকার, এর মধ্যে আয়রন আছে অনেক বেশি, এটা খাওয়া খুবই ভালো। বন্ধুরা আমাদের চ্যানেল এরকমই দেখতে থাকো, এরকম নতুন নতুন ডিশ তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর হেলদি ডিশেস শেয়ার করব। দেখতেই পাচ্ছ আমি তেলও বেশি ব্যবহার করি না, যতটা দরকার যতটা প্রয়োজন সেই হিসাবে আমি ইউজ ব্যবহার করি তেল। तो चलिए चेक करके देखते हैं, आलू बॉयल हुआ कि नहीं। बिल्कुल आलू भी बॉयल हो चुका है। তো আমাদের আমার বাঙালি বন্ধুদের জন্য বলতে চাবো যে এই ডিশটা এই রেসিপিটা দেখো আর অবশ্যই ট্রাই করো নিজের ঘরে, যে কেমন খুবই সুস্বাদু আর অনেক হেলদি রেসিপিটা, কই মাছ খাওয়াটা সত্যি অনেক ভালো, আর তোমার ট্রাই করবে। আর বন্ধুরা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তা আমাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবও করে দিও, আর এরকমই নতুন নতুন ডিশেস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তখন আমরা ভাত দিয়ে গরম গরম কই মাছের ঝোল দিয়ে খাবো। তো দেখলি যে কই মাছের কারি, স্পাইসি কই মাছের কারি, বহুত ইয়ামি, ইসে গরম গরমা গরম সার্ভ কিজিয়ে আর রাইস কে সাথ খাইয়ে।